सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जे एस संधू। अज आप गल करांगे 6th पंजाब पे कमीशन दे रिपोर्ट दे अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट वालों पे रूल्स आए ने उहदे अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन लई अते पे कैलकुलेशन लई जो एक कैलकुलेटर तैयार किया गया उस नूं किस तरह चलाउणा चाहिए। सो मैं अपनी गल शुरू करन तो पहला मैं थैंकफुल हाँ मिस्टर रवि सियाल सर जी का, जिन्हां ने ये सॉफ्टवेयर नूं डिजाइन करन दे विच तेरी टेस्टिंग दे विच मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं नाल ही शुक्रगुजार हाँ मेरे PMS फ्रेंड्स का जो लगभग सन 2011-12 तो लैके मेरे नाल जुड़े हुए ने, टाइम टू टाइम गाइड करते हैं तो मैं मोटिवेट करते रहे। सो अपने इस सॉफ्टवेयर बारे इस जो एक्सल शीट बनाई है ये बारे गल कर तो पहला मैं आप सब नूं दसना चाहुंदा भी जदों आप ये शीट चलाने ये वर्जन लिखा होंगे। सो तुसी हमेशा इनू यूज़ करने तो पहला लेटेस्ट वर्जन इस दिती हुई वैबसाइट पर या जो एक फेसबुक का लिंक दिता हुआ ये लेटेस्ट वर्जन चैक कर लेना, क्योंकि जो भी कोई एरर का किसी गलती का पता लगता तो असं उन्होंने चेंज करते हैं। सो तुसी जो भी यूज़ करो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा मिले। सो तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो बारे जानकारी मिल सके, इसलिए आप सबनों बेनती है भी जो पे फेसबुक का जो पेज है इसका उसको लाइक करो ताकि जो भी कोई असी अपडेट करते हैं तो नोटिफिकेशन चला जाए। सो हुण आपां गल करते हैं इस शीट बारे। जो आप इस शीट में चलाने हैं सब तो पहला उपर इतने बॉर्डर पर एक सिक्योरिटी वार्निंग आती है। सो वो डिपेंड करता है अपना जो एक्सल का वर्जन है वो अकॉर्डिंग, जे लेटेस्ट वर्जन ने इनेबल मैक्रोज़ का ऑप्शन आता तो आप इनेबल मैक्रो के उपर क्लिक करना। जेडे उस तो पहले वाले वर्जन ने उन्होंने ऑप्शनस का बटन बनया हों, आप ऑप्शन के उपर क्लिक करके मैक्रोज़ को इनेबल करना। भाव इस फाइल के फार्मूलाज लगाए गए हैं, वो फार्मूला चलाने लिए मैक्रोज़ को इनेबल करना जरूरी है, तो ही यह फाइल सही तरह काम करेगी जी। सो उस तो अगे गल है भी इस फाइल के जे तुसी थले देखो अलग अलग तरह शीट्स बनिया हुई ने। सब तो पहली शीट है इंस्ट्रक्शनस की, इन फाइल में यूज़ करने बारे या ये बारे थोड़ी इंस्ट्रक्शनस लिखिया हुई ने। दूसरी शीट है नोशनल पे फिक्सेशन लई। आप सबनों पता है पे कमीशन की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दो ऑप्शन दिए गए हैं। सो जेकर आप नोशनल पे फिक्सेशन की लड़ पी तो आप ये वाली शीट यूज़ करनी है। उस तो अगे है मेन शीट। मेन शीट के जो आप 6th पे कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या जो नवे रूल्स आए हैं 2021 अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन करने आप डिटेल भरनी है। उस तो अगले शीट्स ने वर्क डेज, जिस तरह कोई कर्मचारी विचाले जो एरियर कैलकुलेशन का पीरियड है वो दौरान अगर किसी ने हाफ पे ली है विदाउट पे ली है वो डिटेल आप इतने भर सकते हैं। उस तो नैक्सट शीट है पे फिक्सेशन की, भाव ये शीट है जितों जिदा आप प्रिंट लैके आप ऑर्डर तैयार कर सकते हैं या अपनी सर्विस बुक के चिपका सकते हैं। ये फाइनल प्रिंट लई है ये जी शीट है। नैक्सट है एरियर बिल। एरियर बिल का हाल की घड़ी एक इनू सिर्फ ट्रायल के तौर पर, क्योंकि काफ़ी सारिया जो हले नोटिफिकेशन आ उन्होंने वेट कर रहे हैं DA बारे इस तरह, तो फिलहाल इनू सिर्फ ट्रायल वर्जन के तौर पर ही बनाया गया है। जिस तरह कोई नोटिफिकेशन आऊगी आप इनू अपडेट कर देवे। सो आप सब तो पहला गल करते हैं नोशनल पे फिक्सेशन लई। नोशनल पे फिक्सेशन लई सब तो पहला आपां इत्थे जो एक मैं शीट विच दसना चाहुंदा जिन्ने भी येलो कलर दे सैल्स ने उन्हां विच ही सिर्फ इनफॉर्मेशन भरी जानी है। जो दूसरे वाइट कलर दे या होर किसी कलर दे सैल्स ने उन्हां विच कोई इनफॉर्मेशन नहीं भरी जानी। जो येलो कलर सैल्स ने वो सारे एडिटेबल ने। ज़्यादातर थावां ते ड्रॉप डाउन मैन्यू दिता गया है, जिस तरह आपां कुछ भी सिलेक्ट करना आपां उस मैन्यू दे विचों सिलेक्ट करना। सो आपां एग्जाम्पल लैंदे हां, मान लो आप कर्मचारी का नाम इतने सब तो पहले आप पा देंगे डेजिग्नेशन। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कैलकुलेशन बाई डिफॉल्ट ये 1/11 तो नोशनल पे फिक्सेशन का असी स्टार्ट किया, जे किसी की ज्वाइनिंग उस तो बाद है तो आप इतने वो ज्वाइनिंग डेट पा सकते हैं। जिहड़ी डेट डेट आप इतने पावे उस तो फिर यदि नोशनल पे फिक्सेशन स्टार्ट होगी। अगर आप इनू खाली छड़ दें तो 1/11 तो फिक्सेशन स्टार्ट होनी है। 1/11 नू किन्नी की पे बैंड चलता सी आप इतों वो सिलेक्ट कर लेना।
उदाहरण वजो जिस तरह मैं ये 3600 का सिलेक्ट कर लिया, बेसिक पे 1 1 11 नू किन्नी सी, मैं वैसे डमी डाटा यूज़ करता, मान लो 18540 सी। मंथ ऑफ इंक्रीमेंट केड़ा सी, मान लो अप्रैल सी। उस तो बाद एक खाना तय गया इनिशियली, जेकर कोई 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 कर्मचारी उस समय दौरान फिक्स पे ते सी तो आप इतों यस करांगे, अदरवाइज नो करांगे। सो उस समय दौरान 1 1 11 तो लैके 31 12 15 तक अगर कर्मचारी नू कोई ACP या कोई स्टेप अप्स कोई मिले ने, तो आप इन्हों विचों सिलेक्ट करके उन्हों की इन्फॉर्मेशन इतने भर सकते हैं। उदाहरण वजो अगर किसी को 4 साल ACP मिले तो आप इतने उन्हों की इन्फॉर्मेशन भर देनी है। की स्केल मिलिया आप वो भरांगे, क्योंकि नोशनल दे विच अकॉर्डिंग आप फिर उहदा नैक्सट जो पे लैवल बनता है आप वो सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ये जो है ये प्रमोशन दे रिगार्डिंग है, जब प्रमोशन नहीं तो फिर आप नहीं, एक ये कॉलम बेसिकली दिता गया भी जिस तरह कोई प्रमोशन का केस हों अगर वो इनक्रीमेंट का ऑप्शन देंगे ने, वो आप इतों सिलेक्ट कर सकते हैं। जे किसी का उस टाइम के दौरान एक्सटेंशन पीरियड चलता, वह भी आप इतों सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ही आप इतों सिलेक्ट करा यस, तो उस तो बाद आप इतने उन्होंने डेट भर सकते हैं, डेट ऑफ एक्सटेंशन। ये डिटेल भरन तो बाद आप कैलकुलेट नोशनल के उपर क्लिक करना, जो आप क्लिक करते हैं उस तो बाद कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी है। एक प्रोग्रेस बार इतने आपको दिखाई देता, जो ही प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाएगा अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो हुण इत्थे जो डन का मैसेज लिख के गया, आपां नीचे देखांगे टेबल दे विच जो नोशनल फिक्सेशन हुई है पे की, उहदी आपां नूं डिटेल इत्थे मिल गई है। सो हुण अगर मैं देखा मेरी 31 12 15 नूं बेसिक पे 2280 ते ग्रेड पे 3600 चलता सी। सो इन ए शीट सी अपनी सिर्फ नोशनल पे फिक्सेशन लई। ध्यान रहे ये आप जिस तरह ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इन्हों सिलेक्ट करना, आपदे आप कोई वैल्यूज़ आप इतने नहीं पाने, जिथे भी क्लिक करते सार उपर ड्रॉप डाउन मेन्यू आता, उन्होंने ही आप सिलेक्ट करना होंगे। सो हर वारी जदों आप कुछ भी चेंज करते हैं, उस चेंज करने तो बाद एक बार कैलकुलेट बटन के उपर दोबारा क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि जो भी चेंज तुम्हें किया कैलकुलेशन दोबारा होएगी, तो ही वो अपने टेबल के शो होएगी। सो ये सिंपल जहा एक केस आप पे कैलकुलेशन अपने नोशनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। हूँ अगर आप इस कैलकुलेशन अपनी मेन शीट के यूज़ करना नोशनल नू, सो हूँ आप मेन शीट की गल करते हैं। ये सब तो पहला उपर दिता गया अपने ऑफिस का नाम, जो भी थोड़े ऑफिस का नाम तुम भर सकते हो इस येलो कलर सैल में। नैक्सट है वन टू अवेल बेनीफिट विद री रिवाइज पे स्केल ऑफ 2011, जिस तरह कि अपने नोटिफिकेशन है भी 2011 के जो स्केल रिवाइज हुए थे उसके अकॉर्डिंग ली आप ये बेनीफिट जो पे रिविजन का लेना चाहते हैं या उस तो बगैर लेना चाहते हैं, तो इतों आप ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं। जे आप नो करते हैं तो इट मीनस आपको इतने नोशनल जो अपनी बेसिक पे बनती है, जो नोशनल जो अपना स्केल बनता वह भरेंगे। अगर आप यस करते हैं इट मीनस भी जो अपना एक्चुअली चल रहा है 2011 तो बाद रिवाइज होने तो बाद आप यूज़ कर रहे। सेम कॉलम ने सब तो पहला आप इंप्लॉई नेम भर लाँगे, डेजिग्नेशन भर लाँगे, आप पैन नंबर NPS मतलब प्रीलिमिनरी इन्हों की जरूरत नहीं है, ये आपको एरियर बिल बनाने मददगार होंगे। अदरवाइज इन्हों आप नेम डेजिग्नेशन, उस तो बाद आप डेट ऑफ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अगर आप खाली रहन देंगे तो इन्हें 1 1 2016 ही लेनी है। जे किसी की ज्वाइनिंग ही उस तो बाद दी है या कोई ऑप्शन बाद दिता, तो आप इतने डिटेल आप तरीक पा सकते हैं। उदाहरण वजो अगर किसी की ज्वाइनिंग ही इतने 10 4 2018 की है, तो उन्होंने फिर उस उन्होंने कैलकुलेशन है जो इस डेट तो स्टार्ट होगी। सो फिलहाल इन मैं ब्लैंक रहने देना, क्योंकि असं चाहते भी 1 1 16 तो कैलकुलेशन हो। उस बाद 31 12 15 एक्चुअल पे बैंड एंड ग्रेड पे, ये जो दो अपने सेल्स ने ये जो आप उपर F7 है जो आप उपर ऑप्शन सिलेक्ट किया डिपेंड करता है। जिस तरह मैं इतों अगर नो करना तो यदा भाव यह है भी मैं नोशनल के अकॉर्डिंग अपना बेनीफिट लेना चाहता, तो हूँ इतने मैं इतने देखो लाइन लिखी भी है 31 12 15 नोशनल पे फिक्सेशन नोशनल
पे बैंड एंड ग्रेड पे। सो मैं इतों सिलेक्ट करूँगा भी उदो मेरा पे बैंड एंड ग्रेड पे 3112 नू किन्ना चलता सी। अगर मैं 2011 का रिविजन का बेनीफिट ना लेंदा तो मेरा ग्रेड पे 3800 चलता होना सी। इस तरह मेरी बेसिक पे जो मैं पिछले कैलकुलेट की है मैं उतो देख लैंना 23200। सो मैं इतने 23200 भर सकता। मंथ ऑफ इनक्रीमेंट जो भी मेरा चलता पोस्ट लैवल भर सकते हैं आप। ए बी सी जो अपनी कैटेगरीज है वो अपने मोबाइल अलाउंस फिक्स कर ली। उस तो बाद इनिशियली फिक्सड पे ये कॉलम आप यस करना। अगर कोई शुरू के प्रोबेशन पर है उन्होंने सिर्फ फिक्सड सैलरी मिलती है तो आप यस करा, अगर फुल स्केल मिलता तो आप नो करा। उस तो अगर है एक्सटेंशन, अगर इस समय दौरान किसी को एक्सटेंशन मिलती है तो आप इतने यस करा तो अगर डेट ऑफ एक्सटेंशन पा देंगे, अदरवाइज नॉर्मल केसिस दे विच आपां इहनूं नो रखांगे। सो नैक्सट है टेबल एक एक्चुअल पे बैंड एंड ग्रेड पे ड्रान ऑन 31/12/15। क्योंकि उपर अगर आपां नोशनल दे अकॉर्डिंग फिक्सेशन लै रहे हैं तो एरियर कैलकुलेशन लई आपां नूं जो 31/12/15 नूं एक्चुअली लै रहे सी नोशनल नूं छड के तो आपां ओह सिलैक्ट करांगे। सपोज मैं ए ग्रेड पे दे विच सैलरी लै रहा सी तां इत्थे मैं अपनी जिनी मेरी 31/12/15 बनती उन्नी लिख देंगे, मैं एग्जैक्ट याद नहीं पर चलो मैं 24 लिख देना जी। हाँ जी इतने मैं एक गल बिल्कुल क्लीयर कर देनी चाहना कि जो आप उपरों नो सिलैक्ट करते हैं तो जो अपने ये 11 ते 12 जो रोज़ ने इन आप नोशनल भरनी है, क्योंकि असी उपरों ऑप्शन दिता भी असी नोशनल बेस से नवी जो पे स्केल है वो लेने ने, तो इस इन दोनों रोज़ के मैं नोशनल के अकॉर्डिंग भरी है। तो जो 16 नंबर रो है इस जगह पर इतने एक्चुअल भरनी है, फिर उपर सी नोशनल दे ये भरी है मैं एक्चुअली भी एक्चुअली 31/12/15 किन्नी किन्ना स्केल तो किन्नी बेसिक पे लै रहा है। सो जेकर मैं उपरों ऑप्शन यस कर दिना भी मैं तो 2011 की जो रिविजन से उस अकॉर्डिंग अपना बेनीफिट लेना चाहना, तो फिर इतने जो जो 11 नंबर रो है ये मैं जो एक्चुअल उदों मेरी ग्रेड पे चलती सी पे स्केल सी ओ ते एक्चुअल बेसिक भरूँगा, पर थले जो 16 नंबर हुआ उत्थे फिर मैं नोशनल बेस ते भरूँगा भी उदों मेरी अगर नोशनल दे हिसाब नाल उदों मेरा की स्केल बनना होना सी 31/12/15। सो इत्थे फिर मैं उदों ओ अपना पे स्केल सिलेक्ट करूँगा जी। सो इत्थे तुसीं देख सकते हो हुण इत्थे लिखा नोशनल पे बैंड एंड ग्रेड पे। सो ये जरूर ध्यान रखना अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो इन दोनों जगह पर अपने जो एक्चुअल है वह भरना सी, 16 नंबर दे विच जो नोशनली बेस पर जो बनता स्केल सी वह भरना। अगर मैं उपरों नो सिलेक्ट करदा तो ये क्योंकि मैं उपरों ऑप्शन ही चेंज करता तो फिर ये इन दोनों कॉलम्स के रोज़ के मैं नोशनल बेस पर जो मेरा स्केल बनता तो बेसिक पे बनती है वह भरनी है, तो इस 16 नंबर दे विच जो मेरा एक्चुअल ग्रेड पे है वह भरना। सो ये दोनों गल्लां दा जरूर प्लीज़ ध्यान रखियो। सो इसका भाव यह है अगर आप इतों नो सिलेक्ट करते हैं मतलब भी असी जो 2011 तो पहला दा जो नोशनल पे फिक्सेशन है उदे अकॉर्डिंग बेनीफिट लवेंगे तो जो अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2.59 यूज़ होएगा। सो जेकर आप इतों यस करते हैं तो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 2.25 यूज़ होंगे। सो यस का मतलब है कि साड़ी जो पे फिक्सेशन 2.25 के अकॉर्डिंग होएगी, अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो वह भाव है साड़ी फिक्सेशन 2.59 जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो अकॉर्डिंग होएगी। सो उस तो बाद आते हैं भी जे कोई इस समय दौरान 1/1/16 तो 30/6/21 तक जे कोई आपको स्टैप अप मिले वो स्टैप अप किसी भी तरह का हो सकता, वो ए सी पी भी हो सकता 4 साल 9 साल 14 साल प्रमोशन प्लेसमेंट या फुल स्केल। फुल स्केल का भाव है भी अगर उपर आप इतने सिलेक्ट करते हैं भी पहला फिक्स दिया तो उस तो बाद जो भी उन्होंने फुल स्केल लागू हो आप इतने फुल स्केल भरेंगे जिस डेट तो लागू होंगे, अदरवाइज जो कोई प्रमोशन है तो आप प्रमोशन भर देंगे। सपोज इतने प्रमोशन है तो मैं प्रमोशन की डेट भर दिना उस तो क्या प्रमोशन की जो मेरी प्रमोशन हुई वो किस पे बैंड के हुई, तो मेरा पहला अगर 3800 चलता सी तो मेरी प्रमोशन उस तो बाद नैक्सट 4200 दे विच हुई है। सो इतने ध्यान रखना इतने आप पे बैंड वो सिलेक्ट करना
जिस पोस्ट ते मैं प्रमोट होया उहदा 2011 तो पहला जो पे बैंड बनता सी, पर इहदे नाल ही जो नैक्सट बेसिक भरनी है, आपां बेसिक पे जो मैनूं मेरी प्रमोशन हुई तो मेरी बेसिक पे किन्नी बनी वो आपां एक्चुअल भरनी है, क्योंकि बेसिक सिर्फ एरियर कैलकुलेशन परपज़ लई है। सो मेरी अगर बेसिक उदो 26,000 हो गई सी, मैं इत्थे वो भर देना है। इनक्रीमेंट मंथ मेरा सपोज इस तो बाद 4 ही रहा है। इत्थे है ऑप्शन, अगर मैं अपना सॉरी मैं चेंज कर लेता हूँ, मेरा 8वें महीने प्रमोशन हुई तो इनक्रीमेंट मंथ मेरा उस तो बाद मेरा 4 ही रहता है, क्योंकि मैं इतने ऑप्शन दे दिना भी मेरी जो इनक्रीमेंट है प्रमोशन वाली वो इनक्रीमेंट मंथ एनुअल इनक्रीमेंट मंथ के नाल ही लगे। सो मैं इतने यस करना, अदरवाइज मैं नो करूँगा ही। सो अगर इस तो बगैर होर भी कोई डिटेल है, कोई ACP लग्या 4 साल या कुछ भी, आपू इस टेबल के वन बाई वन भर सकते हैं। हुण इत्थे ध्यान रहे आप डेट का जो फॉरमैट है वह भी इस तरह रखना प्रैफरेबली, तो थले जे अगर तुम देखो मेरे कंप्यूटर की डेट का फॉरमैट भी सेम आ रहा है, यानी कि पहला दिन फिर महीना तो फिर साल, इसे फॉरमैट के पावे तो ये जो अपनी कैलकुलेशन है वो कोई गलती नहीं होंगी। आप इस टेबल के इनफॉरमेशन रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन भर सकते हैं। HRA कैटेगरीज, ये जो जो कैटेगरीज डिफाइन की गई गवर्नमेंट वालों वो दिखाई ने, अगर नहीं HRA लगना तो आप जीरो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस के मैं D8% सिलेक्ट कर लिया। रूरल अलाउंस लगना मतलब एप्लीकेबल है या नहीं, कई बार अर्बन एरिया नहीं लगता। IR एप्लीकेबल है सी या नहीं सी, जिस तरह कुछ कुछ पोस्टा ने जिन्हें IR नहीं सी मिलता, कोई जिस तरह साढ़े कुछ कंप्यूटर फैकल्टीज ने उन्होंने IR नहीं सी मिलता, उन्होंने इतों नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। NPA एप्लीकेबल है या नहीं, कंपनसेटरी पे पुलिस डिपार्टमेंट वाली एप्लीकेबल है कि नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन है। अगर कोई एप्लीकेबल है तो आप यस करना, अदरवाइज नो। अगर इस समय दौरान किसी की रिटायरमेंट होंगी है या कोई डैथ होंगी तो आप इतने डेट पा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशन 30/6/21 तक होगी। अगर आप इतने कोई डेट पा देंगे तो उस सिर्फ उस डेट तक ही कैलकुलेशन होगी, उस तो अगे नहीं जाऊगी। इस बॉक्स के आप EHRMS अपना जो ID है वो पा सकते हैं। सो ये सारी डिटेल भरन तो बाद आप कैलकुलेट बटन के उपर क्लिक करना। जो आप कैलकुलेट बटन पर करते हैं तो उस तो बाद ये जो शीट है सारिया डिटेल्स के अकॉर्डिंग अपन पे फिक्सेशन की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। सो आप प्रोग्रेस बार अपना देख सकते हैं, जो इतने डन लिख के आ गया इट मीनस अपनी कैलकुलेशन पूरी होगी। सो आ एक समरी टेबल दिता गया जितों आप देख सकते हैं भी कि अपनी पे बेसिक पे बनी, पे मैट्रिक्स के कितने जाके आप फिट होंगे हैं। उस तो थले अपनी जो अपना टेबल है कंपैरिजन टेबल बन गया, ये सिर्फ ये रफ यूज लई ने। उस तो बाद अपना थले दिता हुआ टेबल फिर फिक्सेशन का, पे ऑन 1/7/21 कितनी सैलरी बननी है। कुछ सैल्स ये एडिटेबल ने, जो येलो कलर्स ने, अगर कोई पर्टिकुलर अलाउंस मिलता आप वो कर सकते हैं तो एडिट कर सकते हैं। सो ये देख सकते हो तुम एक कंपैरिजन किया हुआ दोनों सैलरीज का, अगर पुरानी सैलरी के नाल तो हम नवी सैलरी के कितना फर्क पैंदा है। सो ए सी इतने आप जी डिटेल भरी वह आप इतने सिर्फ व्यू लै सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रिंट परपज़ लई नहीं है। प्रिंट परपज़ लई आप जो इतने कैलकुलेशन की आप पे फिक्सेशन पर जाओगे, जो पे फिक्सेशन अपनी इतने हुई है अकॉर्डिंगली अपना इतने जो ऑर्डर है तैयार हो जाता। सो ये आप आम डिटेल जो उधर भरिया ने सारिया उतों ही होंगे, पहले अपनी नोशनल पे फिक्सेशन आ जाएगी, जो ऑप्शन दिता इंप्लॉय ने वो आ जाएगा। उस तो बाद जो 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो बनता है अपना पे फिक्सेशन वह टेबल आ जाएगा। सो नैक्सट पे के उपर जो ऑप्शन कर्मचारी ने दिता वो भी इतने आ जाना, ये प्री फिल्ड नेम ऑलमोस्ट सारा सारा कुछ इतने आ जाता। जिस तरह हम IHRMS कोड इतने 0 आ रहा है क्योंकि मैं उधर भरया नहीं सी, अगर मैं उत्थे अपना IHRMS कोड भर देना सपोज पे फिक्सिंग, इतने मेरी सारी डिटेल आ गई। ये प्री फिल्ड ऑप्शन फॉर्म है, आप इंप्लॉय की हेल्प लिए दे सकते हैं भी ताकि अपना साइन करके अपन दे सकन। सो ये पे फिक्सेशन तैयार होंगी है, जो इससे जो कैलकुलेशन आप उधर भरी हाँ वो तो ही एरियर बिल तैयार होंगे। एरियर बिल में फिर मैं कह रहा कि ये फिलहाल हले सिर्फ ट्रायल परपज़ लिए है, इनू फाइनल हले नहीं किया, जो नैक्सट अपडेट करा फिर इनू जो नोटिफिकेशन कोई आ गया अलाउंसेस बारे फिर इनू अपडेट कर देवे। सो ये मेन ये अपनी शीट के मेन दो विंडोज़ ने, एक नोशनल एक मेन। नोशनल पे फिक्सेशन लिए आप इनू यूज़ करा और मेन दे इस यूज़ करा मेन कैलकुलेशन लिए। ध्यान रहे जो भी कोई आप चेंज करते हैं
उस तो बाद कैलकुलेट दे बटन के उपर क्लिक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपनी जो कैलकुलेशंस ने वो गलत शो होंगी। सो यू यूज़ करने बारे मैं सिंपल जहा बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, पर मैं इतने कहना चाहता भी पंजाब केस टू केस इन्नी वेरिएशन है, हर एक केस दे विच ए शीट एप्लीकेबल नहीं हो सकती। कोई भी ए डेटा भरन तो बाद कैलकुलेट करन तो बाद सो बेनती है भी जो भी डीलिंग हैंड है या जो DDO साहब ने वो एक बार इनू आप दे आप जरूर चेक कर लैन, क्योंकि असी इनू हर केस दे विच इहदी एप्लीकेबिलिटी नू गरंटी नहीं लै सकते। सो प्लीज़ जो उपर एक फेसबुक का जो पेज का लिंक दिता गया उन्होंने जरूर लाइक करो ताकि जो भी असं कोई अपडेट करा तो मिल सके। सो अगर थोड़ा कोई सजेशन हो ईमेल या मैनू जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भेज सकते हो। सो मैं कोशिश करूँगा भी ये जो कोई रिक्वायरमेंट होर हो या कोई चेंजेस हो जो एरर हो ठीक करके इनू मैं अपडेट कर सकें। सो थैंक यू।